नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नई जानकारी देना चाहता हूं, जिसमें कि भारत सरकार के आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक नई अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें कि आने वाले समय में हर भारतीय नागरिक के पास एक वन डिजिटल आईडी कार्ड होगा। डिजिटल आईडी कार्ड, वैसे तो दोस्तों आपके पास काफ़ी सारे डिजिटल आईडी कार्ड होंगे, जैसे कि आपके पास आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, एक तरह से ये भी आपके सारे डिजिटल आईडी कार्ड हैं। पर इन सबसे हटके भी एक डिजिटल आईडी कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें कि आने वाले कुछ ही दिनों में सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया जाएगा दोस्तों इस आईडी कार्ड को बनवाने के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में वन डिजिटल आईडी कार्ड के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब आप पूछेंगे कि ये नई आईडी कौन सी है, तो दोस्तों अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके पास जितनी भी आईडीज है, जिसमें कि आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर आपका पासपोर्ट हो, ये सारी आईडीज एक दूसरे से लिंक कर दी जाएंगी, और लिंक करने के बाद में जो आईडी तैयार होगी वो आईडी होगी आपकी वन डिजिटल आईडी। तो दोस्तों अब बात आती है कि ये आईडी किस काम आएगी। जैसे कि दोस्तों आप अपना कोई भी सरकारी या प्राइवेट काम करवाने जाते हैं तो वहाँ पर आपके आईडीज की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपको आपका पासपोर्ट, ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको अलग अलग दिखाने पड़ते हैं। तो वहाँ पर आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अलग अलग दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर आप अपना वन डिजिटल आईडी कार्ड दिखा सकते हैं। बात कर लेते हैं इस कार्ड के बेनिफिट्स की। जैसे कि दोस्तों आपके पास भी काफ़ी सारी आईडीज होंगी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर आईडी कार्ड, आपका पासपोर्ट, तो ये सभी आईडीज काफ़ी सारे हो जाते हैं दोस्तों। तो इनको रखने में, इनको कैरी करने में, इनको कहीं पर ले जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो इन सभी आईडी कार्ड की एक डिजिटल आईडी कार्ड बना दी जाएगी दोस्तों, जिससे कि आपको कहीं पर ले जाने में, कहीं पर रखने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कहीं पर भी इनको ले जाते हैं तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप केवल अपना वन डिजिटल कार्ड ले जा सकते हैं। तो इस कार्ड का यही बेनिफिट है दोस्तों। तो दोस्तों आईटी मंत्रालय की तरफ से इस कार्ड के जल्दी सार्वजनिक होने की उम्मीद है, और 27 फरवरी तक मंत्रालय सभी लोगों की प्रतिक्रियाएं मांगेगा। तो दोस्तों आईडी कार्ड बनाने के लिए अभी कोई पोर्टल लॉन्च नहीं किया गया है, जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं एक नई वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों।